अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। तो आज की जो वीडियो है ये मोस्ट 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 रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल पर। आप सबके बहुत क्वेश्चंस होते थे कि आपने अपने घर में इतनी सारी कैट्स रखी हुई हैं, आप उनका लिटर कैसे मैनेज करती हैं, आपने अपनी कैट्स को कैसे ट्रेन किया है, आपका घर गंदा नहीं करते। बहुत रिक्वेस्ट थी, सब जानना चाहते थे कि मैंने अपने घर में अपनी कैट्स को कैसे मैनेज किया हुआ है और उनका लिटर मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो आज मैं उसी पर ही वीडियो बनाऊंगी। बहुत दिन से बनाना चाह रही थी, बस टाइम नहीं मिलता था। तो आज हम इस पे वीडियो बनाएंगे, तो ये थोड़ी सी व्लॉग स्टाइल की वीडियो होगी। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वैसे आजकल हम अपनी कैट्स को क्या खिला रहे हैं, क्योंकि बिस्किट्स जो हैं थोड़े से शॉर्ट हुए हुए हैं, बड़े वाले बैग्स मिल नहीं रहे हैं। कुछ जगह से मिल जाते हैं, जहाँ से मिलते हैं उठा लें और सेव कर लें। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, जहाँ से हमें मिल रहे होते हैं हम लोग ले लेते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ अपनी कैट्स का फूड दिखाती हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, ये है मेरी कैट्स का फूड जो हम लोग अपनी कैट्स को खिला रहे हैं, और मैं बहुत टाइम से रेफ्लेक्स इनको दे रही हूँ और माशाल्लाह से उनको बहुत सूट करता है। तो ये जो आपको प्लस में नज़र आ रहा है रेफ्लेक्स प्लस, ये किटन्स का है, किटन के लिए है रेफ्लेक्स प्लस। वैसे मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि मैं अपनी अडल्ट कैट्स को भी किटन्स वाला देती हूँ, फूड देती हूँ किटन वाला। वो फिर सब खा लेते हैं, किटन भी खा लेते हैं, अडल्ट भी खा लेते हैं। तो वैसे तो मैं यूजली उनको किटन में ही फूड प्रोवाइड करती हूँ। तो अब हमारा रेफ्लेक्स प्लस जो है वो किटन में हमें मिला था, ये अब ख़त्म हो रहा है। तो इसके बाद अब मैंने रेफ्लेक्स का ये आज एक और बैग मंगवाया है, लेकिन ये जो है ये किटन में नहीं मिला इस बार, इस बार हमें मिला है अडल्ट में। बट खैर, अब मेरी कैट्स बड़ी ही हो रही हैं, तो इस दफ़ा मैं उनको ये अडल्ट खिलाऊंगी अपनी कैट्स को। और ये जो किटन वाला फूड है ये भी अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ये देखें, ये किटन फूड जो है ये रेफ्लेक्स प्लस में है, ये अभी भी पड़ा हुआ है। ये ख़त्म होगा तो फिर हम लोग ये वाला बैग खोलेंगे। तो मैं जब भी इनका फूड ख़त्म होने वाला होता है ना, तो मैं पहले से ही मंगवा कर रख लेती हूँ, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। सो चलें जी, अब चलते हैं और अपनी मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें मेरी सारी कैट्स कुछ ज़मीन पर लेटी हुई हैं, कुछ टेबल पर। अब गर्मी आ गई है ना, तो इनको फ्लोर जो है वो ठंडा लगता है, इसलिए ये मोस्टली ज़मीन पर बैठे रहते हैं। और वो सामने मिस्टर स्कूबी को देखें, अभी अभी उसने अपना खाना खाया और अब फुजैल को देख रहे हैं कि मुझे और दो। हमारे घर में स्कूबी को सबसे यमी फूड मिलता है। बिलू, बिलू, आपको तो नहीं बुलाया। बिलू, आपको तो नहीं बुलाया। ये है मेरा बिल्लू, मेरा प्यारा, मेरी जान का टुकड़ा बिल्लू। ये सामने जो है ये हम लोगों का बेडरूम है। मेरी कैट्स सारा दिन जहां दिल करे फिरती हैं, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। लेकिन जब रात होती है तो रात को ये इस रूम में चली जाती हैं। सो इस रूम के साथ ही, ये जो बेडरूम के साथ वाला रूम है, इस रूम के अंदर जो वॉशरूम है वो मैंने जब हम लोग अपने इस घर में आए थे, शिफ्ट हुए थे, उसके बाद ही हमने कैट्स रखी थी उसी टाइम से। तो जब से हम इस घर में आए हैं ना, हमने ये इस जो हमारा रूम है इसको हम चाइल्ड रूम बेसिकली कहते हैं, तो चाइल्ड रूम का जो वॉशरूम है वो हमने कैट्स के लिए ही स्पेसिफाई कर दिया था। ये वाला वॉशरूम हम लोग खुद यूज़ नहीं करते, ये वॉशरूम सिर्फ और सिर्फ मेरी कैट्स के लिए। अभी मैं आपको जाती हूँ और दिखाती हूँ। मिस नूर, मिशनुई, नूर, मीनू, 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 मीनू लड़की है। हाँ, हमारी मिनी का डिलीवरी ब्लॉग जो है वो अच्छा खासा फेमस हुआ था, और ये हमारी मॉमी है। गर्मी में ये लोग ऐसे ही बैठते हैं। मिस विनी को देखें कैसे बैठी हुई है, और ये मिस्टर स्कूबी। मफिन, 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 बात तो सुनो, मफिन, मफिन, मफिन,
मफिन देखे माशाल्लाह से हमारी कैट्स कितनी ट्रेंड है, मफिन मुझे कैसे रिप्लाई करता है। मफिन मफिन बिल्लू 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 किसी ने ना एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मफिन बहुत पसंद है, तो आप मफिन पर एक वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं मफिन के ऊपर डिटेल एक वीडियो बनाऊंगी। एक दो दिन में हम लोगों का बेडरूम, ये है हम लोगों का बेडरूम, और इसके साथ ये वाला जो रूम है बेसिकली ये हमारा है गेस्ट रूम। जब कोई गेस्ट आते हैं वो यहाँ पर सोते हैं, और स्टार्टिंग से ही इस रूम का जो ये सामने वॉशरूम आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने फर्स्ट डे से अपनी कैट्स को दिया हुआ है। बाकी का रूम ऐसे ही बाकी है, हमारी सारी अपनी ही चीज़ें होती हैं। रात को बच्चे इस रूम में बड़े रिलैक्स होकर सोते हैं, क्योंकि ये साइड पे हमारा ये ओपन पेशियो गैलरी है जिसमें से ओपन एयर आती है, फ्रेश एयर बच्चों को मिलती रहती है। और ये बेड जो है ये यहाँ पर लेदर लगा हुआ है वाइट कलर का, तो इस वजह से हमने यहाँ पर प्लास्टिक शीट बिछाई हुई है, क्योंकि ये स्क्रैच करते हैं। ये देखें ये कितना स्क्रैच करते हैं, ये शीट बेड की प्रोटेक्शन के लिए बिछाई हुई है। और बच्चों ने दिन को तो बच्चे हमारे साथ ही रहते हैं, नाइट यहाँ पे स्पेंड करते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे बच्चों को एसी भी इस रूम में लगा कर दिया हुआ है। बच्चों को एसी भी इस रूम में हमने लगा कर दिया है। चलें अब वॉशरूम आपको दिखाती हूँ। तो ये वॉशरूम जब हमने अपना घर बनाया था, ये खुद बनाया था, तो मैंने यहाँ पर अभी एक्सेसरीज फिट नहीं करवाई थी, क्योंकि मेरा माइंड यही था कि मैंने ये बच्चों के लिए रखना है। तो यहाँ पर देखें ये बच्चों का लेटर पड़ा हुआ है, सुपर क्लम्पी ये लेटर है, और ये बच्चों के लिए लेटर बॉक्स है, लेटर टब है, ये स्कूप बच्चों का पड़ा हुआ है, तो बच्चे ये यूज़ करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इनको ट्रेन कैसे किया है। बच्चों को कैट्स को आप जहाँ पे लिटर प्रोवाइड करते हैं ना फर्स्ट डे से, उनको वहीं पे ही आदत पड़ती है। मैंने फर्स्ट डे से इनको इसी वॉशरूम में लिटर प्रोवाइड किया था, तो इनको पता है कि हमने बस यहीं करना है, बड़े हों छोटे हों सब यहीं पर जाते हैं, और जो छोटे किटन्स पैदा होते हैं वो भी बड़ों को देख देख के खुद ही यहाँ आ जाते हैं। अब ये देखें स्कूबी भी कुछ करने आया है, इसको अब हम लिटर डाल देते हैं और ये यूज़ कर लेगा। और इस वॉशरूम को सिर्फ मेरी कैट्स यूज़ करती हैं, हम लोग यूज़ नहीं करते, और डेली जो मेट है वो डेली इसको क्लीन कर लेती है, तो इसलिए साफ रहता है, ना मेरे घर में कोई स्मेल होती है। कभी भी टब में जो है भर कर नहीं डालते होते हैं, थोड़ा सा ही डालते हैं, वो जैसे अब यूज़ करते रहेंगे तो हम इसको निकालते रहेंगे। अब ये छोटा किटन वॉशरूम में आया था, तो इसको हम लिटर में बिठा रहे हैं, वैसे तो ये खुद ही चला जाता है। कैट्स के लिए एक वॉशरूम को अगर आप स्पेसिफाई कर देना, वो इतना ईजी हो जाता है कि अगर आपके फर्ज करें कोई घर में गेस्ट आ रहे हैं और आपने लिटर अभी चेंज नहीं किया, तो आप उसी टाइम वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दें, बिल्कुल भी घर में स्मेल नहीं होती और ना ही गंदगी क्रिएट होती है। ये देखिए सब कितने ट्रेन हैं, सबको पता है इनका वॉशरूम है और सब यहीं पर आते हैं। इसी वजह से मैंने अपने घर में इतनी सारी कैट्स रखी हुई हैं, और मैं बहुत इजीली सबको हैंडल कर लेती हूँ, और मेरा घर भी गंदा नहीं होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपने वीडियो बहुत इन्जॉय की होगी, आपको बड़ा मज़ा आया होगा वीडियो देखकर।
तो मिलूंगी अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और आई एम श्योर कि मेरी कैट्स के लेटर से रिलेटेड आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.